मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ चूज किया। बेशुमार इसकी हिकमत है, एक हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल शरीफ इसलिए चूज किया कि रबी के मैंने माने आते बाहर के आते, बाहर का जो मौसम होता है अल्लाह फरमाते बेशुमार हिकमत है। एक हिकमत जो अल्लाह बताते हैं कि बाहर जो होती है, जब बाहर आ जाती है जो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, बाहर जब आ जाती है सूखे सूखे दरख्त भी जो है ना वो हरे भरे हो जाते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, मैं अपने महबूब को बाहर के महीने में इसलिए भेजा कि तमाम मुर्दा खुलूक को जिंदा करे, बेजान रूहों को जिंदगी बख्शे, और जो जिंदगी जो अंधेरे हमारे दिलों में आ गए थे उसको रोशनी बख्शने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें भेजा गया। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है कि हमारे लिए हमारे अंदर से दुनिया निकल जाए, हमारे अंदर दीन आ जाए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला अपने इतने महबूब, इतने चाहने वाले को, इतनी अपनी पाकी बयान करने वाले को हमारे नजदीक भेज दिया, हमारे जो ना हमारे बीच में भेज दिया। हमारी हालांकि औकात नहीं है, मगर अल्लाह ताला कैसा मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला इतने प्यारे महबूब को, अपने इतने प्यारे जिक्र करने वाले को, हालांकि आप जैसा कोई जिक्र करने वाला नहीं, हालांकि आप जैसा कोई तारीफ करने वाला नहीं है, मगर अल्लाह ताला इतने इतने मेहरबान है हम गुनाहगारों पर कि बहाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें भेज दिया। वरना सबसे महबूब चीज हम खुद दे देते, हम अपनी चीज महबूब चीज किसी को देते नहीं। अल्लाह ताला ऐसा हमारा खालिक है, इतना हमारा कदरदान है, इतना हमारा जो ना चाहने वाला है, और अल्लाह के सिवा हमारा कोई ज्यादा चाहने वाला है ही नहीं। हमारा खालिक ही हमारा चाहने वाला है, कोई चाहने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई चाहता ही नहीं हम, और अल्लाह ताला के रसूल के सिवा भी हमारा कोई चाहने वाला नहीं। हमारे हम अता करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।